हाय एवरीवन, दिस इज अमन अग्रवाल। सो गाइस, आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर जो अपॉर्चुनिटी होने वाली है, जो आप लोग को इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, वो आपकी ड्रीम कंपनी के अंदर मिलने वाली है, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी के अंदर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी अगर आप लोग को मिल जाएगी तो कितना बेस्ट रहेगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग के लिए अपॉर्चुनिटी लेके आ चुका हूँ जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर होने वाली है, एंड इस वीडियो में पूरी डिटेलिंग में बात करने वाले हैं। एंड इसके साथ साथ मैं एक और आप लोग को अपॉर्चुनिटी दिखाने वाला हूं जो आपकी यूआई यूएक्स डेवलपर पे होने वाली है। तो दोनों की दोनों अपॉर्चुनिटी आपको जल्दी से जल्दी अप्लाई करनी है, क्योंकि कभी भी इनकी डेडलाइंस और ये क्लोज हो जाती है, तो आपको एप्लीकेशन क्लोज होने से पहले इनको अप्लाई करना है। पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा, एंड जितने भी कैंडिडेट्स ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो मिल गई होगी, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो वीडियो देख लेते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो गाइस, ऐसी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपके पास तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप तुरंत के तुरंत अप्लाई कर लो। क्योंकि काफी बार क्या होता है, हम वीडियो देख लेते हैं एंड अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है, और फिर जब हम अप्लाई करते हैं तो डेडलाइन मीट हो जाती है, एप्लीकेशन क्लोज हो जाती है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। जैसे वीडियो एंड हो, वीडियो एंड होने के बाद डिस्क्रिप्शन के अंदर दोनों हायरिंग के लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तुरंत के तुरंत अप्लाई करना है आपको, ठीक है, ये चीज मैंडेटरी है, तुरंत के तुरंत अप्लाई करना, लास्ट मोमेंट का वेट मत करना। कभी भी हायरिंग क्लोज हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं तो ये बहुत जल्दी हायरिंग क्लोज हो जाती है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो जैसे मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बता दिया है, कंपनी माइक्रोसॉफ्ट रहने वाली है, प्रोफाइल होने वाली है सिक्योरिटी रिसर्च इंटर्नशिप, इनकी लोकेशन रहने वाली है बैंगलोर, ठीक है। और आप ये मत सोचना कि हमें फुल टाइम नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ इंटर्नशिप है। अगर आप इतनी बड़ी कंपनी के अंदर एक इंटर्नशिप भी कर लेते हो तो आपके रेज्यूमे के अंदर एक बहुत बड़ी चीज एड ऑन रहेगी। लाइक आप किसी भी कंपनी के लिए इंटरव्यू के लिए जाओगे और वे आपके रेज्यूमे के अंदर माइक्रोसॉफ्ट देखेंगे तो उसका एक बहुत बड़ा इंप्रेस पड़ेगा आपके ऊपर। पूरा पूरा जो आपका इंटरव्यू फ्लो होगा वो टोटली डिफरेंट हो जाएगा एंड आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी हाई रहते हैं। सो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो रहने वाली है 2025 बैच, 2024 बैच भी अप्लाई कर सकता है। साफ साफ यहाँ पे मेंशन है एलिजिबिलिटी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, ठीक है। Microsoft is hiring for the role of security research internship. Responsibility: Microsoft mission is to empower every person and every organization on the planet to achieve more. As employees, we come together with a growth mindset, innovate to empower others. ठीक है, पूरी आप एक बार responsibilities पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं requirements. Currently pursuing a bachelor or master's degree in statistics, mathematics, computer science or related field. अगर आप वो स्टूडेंट हो जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच से है, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांच से है, या आप स्टेटिस्टिक्स या फिर मैथमेटिक्स, आप अगर बीटेक कर रहे हो, लाइक जितने भी 2025 बैच के स्टूडेंट्स हैं, वे हाईली रिकमेंड करूंगा आप लोग के लिए इंटर्नशिप होने वाली है, आपको अप्लाई करना है। जितने भी 2024 बैच के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, इंटर्नशिप लोकेशन बैंगलोर कर्नाटका रहने वाली है। इंटर्नशिप की ड्यूरेशन 3 months रहने वाली है। Stipend not disclosed. तो आप मान के चलना, अगर माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ये हायरिंग है, अपॉर्चुनिटी है, तो आपके कम से कम 50,000 to 70,000, ये मिनिमम अमाउंट बता रहा हूँ इंटर्नशिप की पर मंथ, ये आप लोग की कहीं नहीं गई है। तो एक बहुत बड़ी हायरिंग है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एंड रेस्पॉन्स आने के चांसेस काफी हाई है, क्योंकि जो हायरिंग है, ये हायरिंग इनके मेन पेज पे होने वाली है। जैसे यहाँ पे आप अप्लाई पे आप क्लिक करोगे तो आप माइक्रोसॉफ्ट के पेज पे ओपन हो जाओगे। अभी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, एंड यहाँ पे आपको हायरिंग दिख जाएगी। यहाँ पे डेट पोस्टेड 11 दिसंबर को ये पोस्ट हुई थी, ये जॉब आईडी आपकी, आपको तुरंत के तुरंत अप्लाई करना है। यहाँ पे जैसे आप अप्लाई करोगे, साइन इन विद करके जो भी आपकी ईमेल आईडी, आप उससे आप अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट हायरिंग की। उससे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ, वीडियो एंड होती है तुरंत के तुरंत अप्लाई कर लेना, बार बार मैं बोल रहा हूँ, कभी भी इनकी जो एप्लीकेशन होती है वो क्लोज हो सकती है, तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लेना। अब नेक्स्ट हायरिंग की बात करें, यह हायरिंग होने वाली है ज़ोन इनोवेटेड प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, इनकी लोकेशन रहने वाली है। यूआई यूएक्स डेवलपर पे इनकी हायरिंग होने वाली है, ठीक है। इनकी भी एलिजिबिलिटी, जितने भी 2025 बैच के कैंडिडेट्स हैं, जितने भी 2024 बैच के कैंडिडेट्स हैं, आप सभी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हो। एलिजिबिलिटी फ्रेशर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट्स, एंड अगर आपको कोई भी डाउट होता है, काफी कैंडिडेट्स के बहुत सारे डाउट होते हैं, लाइक अगर एप्लीकेशन फिल करते वक्त कोई डाउट आ रहा है या आपका कोई भी इशू है, आप कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए ओपन है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप फ्रीली कमेंट कर सकते हो। एक बार जॉब डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दिखा देता हूँ, इज़ोन इनोवेट प्राइवेट लिमिटेड इज हायरिंग फॉर द रोल ऑफ
यूआई यूएक्स डेवलपर, ठीक है, ये आप एक बार पढ़ लेना। रेस्पॉन्सिबिलिटीज, डिजाइन एंड डेवलप यूजर इंटरफेस, जो आप यूजर इंटरफेस देखते हो, लाइक आप अमेजोन का पेज ओपन करते हो, वहां पे आपको यूआई मिलता है पूरा, वो आपका क्या होता है यूआई। एंड मोबाइल एप्लीकेशंस, कोलैबोरेट विद प्रोडक्ट मैनेजर्स, डिजाइनर्स एंड डेवलपर्स टू इंप्लीमेंट यूजर फ्रेंडली डिजाइंस, तो यहाँ पे आपको डिजाइंस पूरे के पूरे क्रिएट करने हैं। रिक्वायरमेंट, बैचलर डिग्री इन ग्राफिक डिजाइन, कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड फील्ड, प्रोफिशिएंसी इन एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट एंड रेस्पॉन्सिव डिजाइन टेक्निक्स। आप लोगों ने रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स का नेम सुना होगा, तो अगर आप लोग को रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनानी आती है तो आप लोग के लिए बेस्ट रहने वाली अपॉर्चुनिटी। फैमिलियरिटी विद फ्रंट एंड फ्रेमवर्क सच एज रिएक्ट, एंगुलर, अगर आपको ये रिक्वायरमेंट्स आती है तो आपके लिए एक एडिशनल रहने वाला है। लाइक अगर आपको यहाँ से रेस्पॉन्स आता है, आपका इंटरव्यू होता है, तो आपसे यही चीजें पूछी जाने वाली है। नॉलेज ऑफ यूजर सेंटर डिजाइन प्रिंसिपल्स, या पढ़ लेना। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, तो ये सब चीजें रहने वाली है, प्रीफर्ड स्किल्स में भी वही सब है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सैलरी यहाँ पे लिखी है साफ साफ, मिनिमम सैलरी 2.5 लाख पर ईयर, मैक्सिमम सैलरी 3.5 लाख पर ईयर। आपको सैलरी नहीं देखनी है, आपको अप्लाई करना है, फुल टाइम अपॉर्चुनिटी होने वाली है। देखो आपका रेस्पॉन्स आना ना आना वो आपकी किस्मत के ऊपर है। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर 1000 एप्लीकेशन भरोगे तो 1 से 2 एप्लीकेशन का रेस्पॉन्स आएगा, बट आपको करना क्या है, आपको अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट करना है अपनी प्लेसमेंट्स के अंदर, तो आपको तुरंत के तुरंत अप्लाई कर देना है। यहाँ पे आप क्विक अप्लाई करोगे, आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों, माइक्रोसॉफ्ट वाली भी एंड ये भी यूआई यूएक्स डेवलपर वाली भी, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दूंगा। अभी के अभी जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देना, लास्ट मोमेंट का वेट मत करना, एप्लीकेशन कभी भी क्लोज हो सकती है, सो जल्दी जल्दी अप्लाई कर दो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।